गाड़ी का नंबर क्या है? दिखाई नहीं क्या आपको? मैंने पूछा गाड़ी का नंबर क्या है? 2844। अगर ये 2844 है तो फिर ये क्या है? रमेश जी मैडम, दोनों गाड़ियों को सीज कर लो। जी मैडम। ए मैडम, ये सुपर्स किसके हैं पता है आपको? जो बहुत जल्द एमएलए बनने जा रहे हैं। हर सुपर को चेक करो। जी मैडम। एक बार में समझ में नहीं आया क्या मैडम आपके? विक्रमजीत बिष्ट को पता चल गया ना तो आप तो सीधा ऊपर ही दिखाई देंगे। क्या नाम बताए? विक्रमजीत बिष्ट। सुना तुमने उमेश? जी मैडम। उनके नाम की नोटिस जारी करो। बोल नेता, वोट मांगने आ गया तू? एक बात बता, जब मेरा चाचा मरा तब कहे नहीं आया तू? चलो ठीक है, आप एक काम करो, जब मेरा चाचा मरे ना तो आप भी मत आइयो, खाली वोट मुझे दीजो। चल माफ किया, दे दिया तुझे वोट। थैंक यू। जीता रहे, जीता रहे। थैंक यू। क्या हुआ बे? भैया वो जो नई आरटीओ लेडी आई है ना, उसने कुछ कैब जब्त करवा ली है, बोलती धंधा बंद करवाई। साला तेरे से कुछ भी हैंडल होता नहीं है, सिर्फ बकबक करता रहता है तू। वकील साहब, कमिश्नर को फोन लगाइए। जी सर। जी आइए, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, आपने तो आते ही सबकी लक्ष्मी बंद करवा दी। हाँ, आप औरतों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नारे लगवा लो, मोर्चे निकलवा लो, अरे घर पे बैठकर खाना क्यों नहीं बनाती आप? कुछ खा लीजिए। मैं ड्यूटी पर खाती नहीं हूं सर। हम तो कहीं पे भी खा लेते हैं। उमेश जी सर, मिर्ची कहाँ है? हैं? अभी लाया सर। अभी लाया? कल वो जो सुपर्स पकड़े ना तुमने, छोड़ दो उन्हें। सुपर्स ने स्टेट ट्रांसपोर्ट को जाम कर रखा है सर। वो चाहते हैं कि सभी इस प्रांत में सुपर्स में ट्रैवल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जब प्रोटेस्ट किया तो हाईवे पर बस में आग लगा दी, 40 लोग मारे गए सर। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की है। हिस्ट्री अगर तुम ठीक से चेक करती तो तुम्हें पता चलता कि विक्रमजीत के खिलाफ जिस किसी ने भी आवाज उठाई वो खुद हिस्ट्री हो गया। जनता की जिंदगी का सवाल है सर। जनता की और अपनी जिंदगी में मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, समझिए आप? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तो ठीक से करो ना ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी है अपने सीनियर का ऑर्डर मानना। कल सुबह मुझे सारे के सारे सुपर्स रोड पे चाहिए, समझी? अबे चाय का है उमेश? लाया सर। अब क्या लिख के दूं? अब आप लिख कर भी देंगे तो वो सुपर्स तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते सर। मैडम घर पे? मैडम घर पे है? पागल है, मरवाएगी ये लड़की। अरे ये बिजली के वो मैडम, मैडम क्या पकड़ना क्यों थी? मैडम आ गई ब्यूटी, मैडम आ गई ब्यूटी। हाँ अंधेरे से डर के पकड़ लिया था इसने। हाँ देखा लाइट आ गई, क्यों डरती है? टाइम मत वेस्ट करवा दी, घर भेज दिया मैंने उसे। पहले अपना करियर बनाओ, प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, समझे? हाँ चाचा जी। क्या बात है शांती फ्लैट, आज इतनी जल्दी जाग गए? तुम्हें डिसिप्लिन देखकर बहुत खुशी हुई। अवनी के अलावा तुम्हें और कोई नहीं सुधार सकता। ये ले पिनिया, तेरी चाची ने भेजी। आइए ना।
अबे ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया वो लेडी ऑफिसर है ना, उसने केस फाइल किया और वारंट भी इशू कर दिया हमारे खिलाफ। सर गाड़ी तो हम छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर आपके खिलाफ फाइल बन गई तो एमएलए की सीट में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ विक्रमजीत भैया, अब उस लेडी ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज रुक जाइए, कल चले जाइए। ये पेपर्स देना जरूरी है। ठीक है, आज ही जाना होगा। आदि जरा चाचा जी को स्टेशन छोड़ देना। चलिए चलो। क्या सोच रहे आदि? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ आइए बैठे। नमस्ते। विक्रमजीत बिष्ट फ्रॉम सुपर्स। आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जो भी अच्छी मिलती हो मंगा दीजिए। मैं चलता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तुम कैसे हो? अपनी अकेली है? तो रहे अकेली, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। हुआ क्या है आदि? लाइफ बर्बाद कर दिया उस औरत ने मेरी। किसी चीज की कदर नहीं उनको। पहले भाई से अलग कर दिया मुझे, यहाँ आया तो नौकर बना दिया मुझे। उन्हें पता चला कि मुझे निक्की पसंद है तो उसे भी दूर करवा दिया। दिल की बुरी है वो चाचा जी, दिल की बुरी है। और यही होता है जब आप गलत औरत से शादी करवा दो। तो तू तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आई मीन अपनी सुपर्स बचाने के लिए। रूल्स फॉलो कीजिए, टैक्स पे कीजिए, हम आपके सुपर्स नहीं पकड़ेंगे। बस हो गया, ये चेतावनी अगली बार के लिए है। ये सुपर तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं तकरीबन 2 साल पहले मेरे ड्राइवर ने 5 ईमानदार लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। वो गाड़ी आज भी चल रही है। मैं आदि, 2 साल पहले तुम्हें मेरे पास अवनी ने नहीं तुम्हारे भाई ने भेजा था ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। अवनी तो तुम्हें घर पर रखना चाहती थी, वो तुमसे काम करवा के तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती। हाँ इतना जरूर चाहती है कि खाना खाते हुए उसमें खुददारी का स्वाद बना रहे। उसने नताशा को दूर नहीं किया है बल्कि भेज दिया है ताकि तुम दोनों एक हो सको। अरे इसीलिए तुम मुझे बुलाया था। वो नताशा के पिता से उसका हाथ मांगना चाहती है तुम्हारे। और इसलिए उसने अपने पिता की जमीन कम दाम में बेच दी है ताकि तुम्हारे लिए घर ले सके। कितने पैसे लेकर मानेंगे आप? मैं मान जाऊंगी, आपको खरीद के दिखाइए। ये पूरा शहर जानता है कि इस साल एमएलए का इलेक्शन मैं जीतने वाला हूं। ऐसे में अगर उनको पता चला कि मैं एक आरटीओ की मामूली लेडी से हार गया तो जरा सोचिए क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट से कहती हूँ कि अपनी ड्यूटी बिना किसी डर के करें। अगर उन्हें पता चला कि मैं धामली के किसी गुंडे से डर गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। गुंडा? हाँ? मैं ना बोलती कम है मगर जब बोलती है ना तो बहुत ज्यादा बोल जाती है। वो ये सब किसी से कहती नहीं है इसीलिए कोई नहीं सुन रहा। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा,
हमारे यहां तो एक मेंबर से भी खर्चा बढ़ जाता है। तुम्हें पता है आदि, जब मैंने उससे पूछा कि इतने साल तुमने बच्चा प्लान क्यों नहीं किया, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? आदि है ना मेरा बेटा, जब वो सेटल हो जाएगा तब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। तो आज के लिए बस इतना। नमस्ते। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, हां संभाल जरूर रही है। आदि अब तो उसे समझने की कोशिश करो। ओ मैडम, देखिए जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। एमएलए बनना मेरा सपना है, अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये केस फाइल होकर रहेगा। मतलब आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मर ही जाता हूं। आज मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। मगर टीपू, मेरे खुद को गोली मार लेने से क्या ये दुनिया सुधर जाएगी? नहीं भैया, धामली शंघाई बन जाएगा। नहीं भैया, ये आरटीओ लेडी को नोबेल प्राइज मिल जाएगा। नहीं ना भैया, क्या कर रहे हो? चाचा जी ने मुझे बताया कि और अगर ये औरत मरी तो कौन जीतेगा टीपू? क्या कहा तूने? अगर इस 2% की औरत को यही कुत्ते की मौत मार दूं तो कौन जीतेगा टीपू? औरत को तूने गाली दी है ना, वो मेरी मां जैसी है, मां जैसी है।